जन की बात हमारे साथ। गालिब साहब की दो पंक्तियां हैं कि मोहब्बत में आज दिल घबरा सा रहा है, तसव्वुर हकीकत होता नजर आ रहा है, वैसे तो कोसों दूर है मदीना, लेकिन मदीना मुझे यहां से नजर आ रहा है, मदीना मुझे यहां से नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही समाज जमुआ में है। जमुआ के तकरीबन 49 लोग उमरा के लिए जा रहे हैं। उमरा क्या होता है, उमरा में कितनी पवित्रता है, क्यों होता है उमरा, ये भी आप जानेंगे यहाँ जो जानकार लोग हैं। लेकिन आज जम्मू के लिए ऐतिहासिक दिन है कि वैसे तो हम लोग ये समझते थे कि मदीने के लिए जो हज के लिए लोग जाते हैं वो उम्र दराज लोग जाते हैं, लेकिन उमरा हज से थोड़ा सा उसी के समतुल्य कुछ, और उमरा के लिए यहाँ पे बहुत सारे जवान और बुजुर्ग सभी निकलने वाले हैं, और ये समा है पूरे जमुआ का कि इनकी विदाई में जहाँ मुस्लिम भाइयों का भी जुटान हुआ है, वहाँ हिंदू भाइयों का भी जुटान हुआ है, और यही गंगा जमनी पवित्रता है हमारे क्षेत्र की, लंगटा बाबा के इस धरती की। हम यहाँ बात करेंगे हमारे पत्रकार इकबाल भाई साहब जो भास्कर से हैं, उमरा के लिए जा रहे हैं, और उनको छोड़ने के लिए यहाँ बहुत सारे जन आ गए हैं। हमारे पत्रकार दैनिक जागरण के प्रवीण जी हैं, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी हैं, हमारे परमेश्वर यादव जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। हम जानना चाहेंगे अपने बुजुर्ग और इस क्षेत्र के जाने माने शिक्षक सेवानिवृत्त और कई इंसानों को, कई जहीनों को हज का रास्ता दिखाने वाले हमारे जो चाचा स्वरूप हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि उमरा क्या होता है और क्या इनकी पवित्रता है और क्या महत्ता है इस्लाम धर्म में। ऐसा है कि इस्लाम में एक हज है, एक उमरा है। हज है साहिब निसाब पर जो मालदार हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दिया है, साल में 5 दिनों में वो हज कर सकते हैं। रही बात उमरा, तो उमरा पूरे 360 दिनों में कभी भी आप उमरे के लिए जा सकते हैं। ये हम गरीबों के लिए है जो 10-20, 50,000 60,000 हम लोग उमरा कर लेते हैं। हज और उमरे में फ़र्क ये है कि हज बड़ा हज है और उमरा छोटा है। अच्छा जी, वो बड़ा है, ये छोटा है। तो जो मालदार नहीं, अपना छोटे पर ही सब्र कर लेते हैं। जिसकी इबादत हम करते हैं पश्चिम की तरफ रुख करके, हम नमाज पढ़ते हैं, तो उस पश्चिम को खाने काबा को अपनी आंखों से देखने जाकर, जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है, हम मानते हैं अपने नबी को, उस नबी का रोज़ा जाकर के हम कम से कम देख लें, उमरा के ही बहाने। अगर हम हिंदू धर्म से इसकी तुलना करें तो हम हिंदू धर्म के किस रिवाज के समकक्ष इसको पाते हैं? तो आप जो 5 धाम करते हैं उसी तरह से ये जो 5 धाम की यात्रा होती है, वो उसी के समकक्ष ये भी है। चलिए, रास्ते अनेक हैं लेकिन उद्देश्य एक है। आप बताएं, आप तो अभी कम उम्र लग रहे हैं, कैसे मन किया कि उम्रा करावे? असल में बच्चे हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, जिनकी ख्वाहिश हो, इरादा करें, इंशाल्लाह बुलावा आएगा और उनको जाना चाहिए। अगर पैसे का इंतज़ाम हो जाता है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस अल्लाह का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिसने अल्लाह ने हम लोगों को पैदा किया, उस काबतुल्लाह का दीदार करने का इरादा होना चाहिए। और बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है।
जब दिल चाहे आप इरादा कीजिए और उम्र की तैयारी कीजिए। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है? कोई सीमा नहीं है। बच्चा 6 माह के बाद हो या फिर कब ऐसा जहन में आया कि मैं उम्र के लिए जाऊँ? इरादा हुआ, दिल में ख्वाहिश जगी कि हमें जवानी में ही उम्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को जवानी की ही इबादत पसंद है। अच्छा, ये पुरुषों के लिए ही सिर्फ है या महिलाएं भी जाती हैं? महिलाएं भी जाती हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं? उसमें महिलाएं भी हैं? महिलाएं भी। अच्छा अच्छा, तो महिला पुरुष दोनों के लिए उमरा भी है और हज भी है। अच्छा, आप बताएं भाई इकबाल, आप तो पत्रकार हैं, आप अभी बड़े रो में हैं पत्रकारिता में, आपको कैसे मन किया कि चलो उमरा कराते हैं? असल में उमरा मेरे अब्बू जो है सो हज के लिए फॉर्म भरा करते थे और हमेशा जो सो यहाँ से हर साल अब्बू के माध्यम से जो सो 40, 50, 100, 150, 200 हज जाते हैं। अच्छा। और लोगों को देखकर मेरे मन में भी आया कि नहीं, उमरा करना चाहिए। अच्छा। इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग बनाया और एक बेहतरीन टीम भी बनी, जिसमें मेरे कई साथी लोग भी हैं और हमारी टीम में 49 लोग हैं। अच्छा। अभी हम लोग यहाँ से जो सो दुर्गापुर के लिए निकलेंगे, दुर्गापुर से फ्लाइट है मुंबई के लिए और फिर रात में जो सो मुंबई से जद्दा के लिए फ्लाइट है। अच्छा, तो ये जद्दा कब पहुँच जाएंगे आप? आपको अनुभव नहीं है, आप ही लोग के साथ हैं, कल सुबह पहुँचेंगे? जी, सुबह में मतलब फजर के वक्त हम लोग इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक ऐसे ही हम बताना जानना चाहते हैं, वैसे तो एक दूसरे के ऑपरेशन में लोग जाते हैं, क्या खर्च आ जाता होगा इस पूरे? खर्च देखिए तकरीबन 80,000, 60,000, 1,00,000, 1,10,000, 5,000, जैसा आप पैकेज जो आता है, जैसा आप पसंद करें। उसमें क्या है कि अगर कम खर्च में जाते हैं तो जो नबी का रोज़ा है दूर में आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन आप ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो काबतुल्लाह के करीब आपको जगह मिलेगी, ताकि आप जिस काम से जा रहे हैं और अगर आपको नज़दीक में मौका मिलता है तो आप भरपूर अपना दीदार कर सकते हैं, काबा का तवाफ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फी वगैरह है? फी है वहाँ अलग से फी नहीं है, बस जो है होटल वगैरह का जो खर्चा हमने व्यवस्था को ले। जी जी, और कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, हमारे हाजी साहब हैं, उन्होंने सारा हम लोगों का इंतज़ाम किया है। इंशाल्लाह बस सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोग जो जा रहे हैं सभी की उम्र को कबूल करें। जिस मकसद से हम लोग जा रहे हैं, हर अरकान को अदा करने की दुआ लोग करें, अल्लाह कबूल करें। और हम लोगों से एक ख़ास इल्तिजा है कि अगर हम तमाम 49 लोगों में से किसी के लिए अगर किसी तरह की कोई गलती, जान से हो, अनजाने से हो या किसी मैटर से हो, हम बिलखसूस इल्तिजा सब लोगों से करते हैं कि हमें माफ़ कर दी जाए और तमाम लोगों को माफ़ कर दें, ताकि हम जिस मकसद से जा रहे हैं हमारा मकसद पूरा हो, हमारे उम्र को अल्लाह ताला कबूल करे। क्षेत्र के लिए क्या संदेश है, क्या मांगेंगे क्षेत्र के लिए? अमन और चैन। अच्छा, चलिए प्रवीण जी, आप दैनिक जागरण से जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या इसका क्या मायने है, क्या संदेश जाएगा क्षेत्र? संदेश ये बढ़िया बात है, भाई लोग सब जा रहे हैं, हम लोग सब इनको विदा करने, इसका मतलब चलाना। आप बताइए प्रोफेसर, कैसा लग रहा है ये समा, कैसा है? अच्छा लग रहा है। जम्मू के लिए क्या खास है? अच्छा, हम लोग भी जानते हैं कि अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, ये लोग अपने धर्म के अनुसार सभी लोग एक साथ में 49 लोगों की चल रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, गंगा जमुनी की तहजीब है और जिसको जिंदा रखा जा रहा है यहाँ पे, और देखिए पूरा समा हाजियों का जत्था भी यहाँ से निकल रहा है उमरा के लिए, और पूरी जमुना आप समझ रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हैं इनकी विदाई के लिए, और ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, चलते रहे के नाते और इस क्षेत्र के अमन चमन के नाते कि ये छत्र पूरा ऐसे ही शांति से रहे, ऐसे ही रहे और इस क्षेत्र की शांति ऐसे ही बदस्तूर बनी रहे। कल मैदान मशर में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उमरा नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, इसी तरह हाजी मुफीद साहब की मैयत में हमारे इलाके जिला गिरिडीह और दीगर अतराफ के लोग इनके साथ जाने की तौफीक अता फरमा, आसानियां अता फरमा, सबों को हिदायत नसीब अता फरमा। कल अल्लाह तआला निशान हबीब करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन महदिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।
والحمدللہ رب العالمین آمین وحق لا الہ الا اللہ. آپ لوگ ازدحام نہ کریں, جو بھی مسافر مدینہ ہیں ان سے اطمینان سے ملیے, ان کو دعائیں دیجئے, ان سے دعائیں لیجئے. اور زیادہ وقت بھی نہیں ہے, حاجی صاحب نے کہا کہ بہت جلدی روانگی ہے, اس لیے کہ انڈال دکا پور سے فلائٹ ہے یہاں سے. हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं. जन की बात हमारे साथ. स्टेट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया.